हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियंका गौर, वेलकम टू लर्निंग विद पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सिनोनिम की सेकंड वीडियो पे बात करेंगे। आज हम 10 से 11 सिनोनिम और लेके चलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, 10 से 11 सिनोनिम हम डेली करेंगे ही, और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूगल, देखिए फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। ऐसे इंसान को फ्रूगल कहा जाता है जो बहुत कंजूस होता है, जो अपने ऊपर या फिर दूसरों पर पैसा खर्च ही नहीं करता, ठीक है, या फिर कोई खाने पीने के लिए या किसी कपड़े खरीदने के लिए पैसा खर्च नहीं करता। तो कई बार आप लोगों ने अपने ग्रुप में भी देखा होगा, आपके दोस्त भी ऐसे कुछ निकल जाते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं, है ना। तो आप उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, फ्रूगल। देखिए डे बाय डे आप लाइफ में, अपनी लाइफ में आप डे बाय डे ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे तभी आपको वर्ड याद होंगे। तो आप एक काम करा करो, जैसे कुछ वर्ड आप याद कर रहे हो, उनको याद करने का तरीका ये है, आप उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन से या पर्टिकुलर इवेंट से जोड़ दिया करो। जैसे आपके अगर ग्रुप में कोई बहुत कंजूस है तो उससे ये वर्ड जोड़ देना कि दैट गाय इज़ सो माइजर, दैट गाय इज़ सो फ्रूगल, है ना। तो आप उनसे इस चीज़ को जोड़ना, लाइन को जोड़ना सेंटेंस को, और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जब भी आप उसकी शक्ल देखोगे आपको वो वर्ड याद आ जाएगा, और क्या होगा फिर, आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। अब इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इकोनॉमिकल, माइजली, स्प्लेंडेड एंड हंगरी। देखिए इसका आंसर है माइजली। अब माइजली इसका आंसर है क्योंकि माइजली को भी कहा जाता है कंजूस, या फिर एक वर्ड और है इसी का, माइजर, है ना। तो माइजर से ही क्या बना है, माइजली बना है। देखिए माइजर जो होते हैं वो कंजूस होते हैं, जो किसी पर या अपने ऊपर कभी पैसा खर्च नहीं करते। अब इसकी प्रोनंसिएशन कुछ लोग माइजरली बोल सकते हैं, इसमें जो ये आर है ना बीच में ये साइलेंट है, इसका प्रोनंसिएशन होगा माइजली, ओके। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, अदर ऑप्शंस के मतलब क्या है। इकोनॉमिकल, देखिए इकोनॉमिकल वो चीज़ें होती हैं जिस पर हम यूज होते हैं कि इस पर पैसा कम खर्च हो, लेकिन इकोनॉमिकल मतलब ये नहीं है कि कंजूस होना। इकोनॉमिकल मतलब ये होता है हम ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसके जिस पर पैसा कम खर्च हो, जैसे कि हम ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं, जैसे कि अगर कार की बात की जाए तो लोग ऐसी कार की डिमांड करते हैं जिसमें फ्यूल कम खर्च हो, ठीक है। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार या एक्सीलेंट, और हंगरी का मतलब होता है भूखा। नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है इरादा, कि आपका कैसा इरादा है कुछ पर्टिकुलर काम करने का, क्या बुरा इरादा है या फिर सही इरादा है। रीज़न, अकेजन, इंटेंशन, प्रेपरेशन। इसका आंसर है इंटेंशन। अब इंटेंशन कैसे है, मोटिव का मतलब भी इरादा होता है, इंटेंशन का मतलब भी इरादा होता है कि आपकी कैसी इंटेंशन रही है। हम बोलते हैं ना जैसे कि जैसे कुछ कोई झूठ बोलता है तो कहता मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मतलब मेरा इरादा गलत नहीं था, है ना, मेरा इंटेंशन सही था, ठीक है। तो इसे कहते हैं इरादा, कि आपकी उसके पीछे किस तरीके से, किस नज़रिए से आप वो बात बोलना चाहते थे। रीज़न का मतलब होता है कारण। अकेज़न का मतलब होता है कोई इवेंट, जैसे कि दिवाली वगैरह, ये होली वगैरह, ये हमारे लिए कुछ अकेज़न्स हैं जिन पर हम बहुत जो हमारे लिए फेस्टिवल होते हैं और जिन पर हम बहुत खुश होते हैं और हम इन त्योहारों को मनाते हैं, तो अकेज़न कुछ अवसर होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन क्या होता है कि जिसकी तैयारी करना, जैसे कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSSB और एनी अदर टीचिंग एग्जाम। तो मोटिव का जो आंसर है वो है इंटेंशन। नेक्स्ट है पिटी। देखिए पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है। अब देखिए इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस एंड जॉय। अब इसका आंसर है मर्सी, लेकिन कुछ बच्चे इसमें काइंडनेस सोच सकते हैं, लेकिन काइंडनेस इसका आंसर नहीं होगा, वो मैं बताती हूँ क्यों। पहले तो देखिए मर्सी का मतलब जानिए, मर्सी का मतलब भी होता है दया करना, ठीक है, लेकिन काइंडनेस का मतलब क्या होता है। देखिए काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, ठीक है, मतलब ये कोई क्वालिटी है। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा कि काइंडनेस एक क्वालिटी है, पिटी एंड मर्सी क्वालिटी नहीं है। तो जब पिटी क्वालिटी नहीं है तो उसका आंसर भी हमें ऐसा ही चेक करना है, काइंडनेस इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि काइंडनेस एक क्वालिटी है, ठीक है, जो आपके अंदर इनबिल्ट होती है, राइट। तो जिसका मतलब होता है दयालुता। जॉय का मतलब होता है खुश होना, और ऑफेंस का मतलब होता है अपमान या फिर इंसल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वैश।
देखिए क्वैश का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मिटा देना, मतलब उसको बिल्कुल जड़ से मिटा देना। जैसे कि करप्शन है, करप्शन को आप क्या चाहते हो कि बिल्कुल जड़ से मिटा देना चाहते हो? आप चाहते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो क्वालिटी के बेसिस पे लगे, हम लोग जो पढ़ते हैं उनके बेसिस पे लगे, इसमें बिल्कुल करप्शन ना हो, है ना? तो आप इस चीज़ को क्या करना चाहते हो, इस करप्शन को क्वैश करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो? अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन, प्लेज, रिजेक्ट या फिर स्लैश। इसका आंसर है रिजेक्ट, मतलब कि आप इस चीज़ को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहते हो, रोक देना चाहते हो या अबोलिश कर देना चाहते हो। तो रिजेक्ट के साथ साथ एक और वर्ड इसके सिनोनिम में लिखना, अबोलिश, मतलब बिल्कुल ख़त्म करना, ठीक है? ABOLISH, अबोलिश, मिटा देना एकदम। और क्वैश का मतलब भी होता है मिटा देना, रिजेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल स्टॉप कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। देखिए क्वेश्चन का मतलब तो आपको पता ही है, प्लेज का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आप प्रेयर वगैरह करते हो, स्कूल्स में प्रेयर वगैरह होती थी तो उनको क्या कहा जाता था, प्लेज कहा जाता था। या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये एक प्लेज लेते हैं, मतलब शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, इसे प्लेज कहा जाता है। और स्लैश का मतलब क्या होता है, किसी भी अमाउंट को रिड्यूस कर देना, ठीक है, अमाउंट को रिड्यूस कर देना। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिकी डाले जाते हैं कि ये दो ऑप्शन में बच्चा कन्फ्यूज़ हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, प्रॉपर मीनिंग पता होनी चाहिए। देखिए स्लैश का तो मतलब है रिड्यूस होना, मतलब कम करना। आप करप्शन को मिटाना चाहते हो या कम करना चाहते हो? आप करप्शन को मिटाना चाहते हो ना, बिल्कुल, तो इसलिए इसका आंसर है रिजेक्ट। स्लैश का मतलब होता है अमाउंट को कम करना, जैसे पैसों की अमाउंट को कम कर दिया जाए, राइट? तो इसे कहते हैं स्लैश। आगे देख लेते हैं, 15th सिनोनिम पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, 15th, रेस्ट्रिक्ट। देखिए रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पाबंदी लगाना या कुछ लिमिटेशंस लगा देना। आपने ये वर्ड सुना भी होगा, अक्सर आप ये वर्ड यूज़ भी करते होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, आपको कहीं पार्टी में बुलाया है लेट नाइट, लेकिन आपके घर पे अलाउड नहीं है, तो आप कहेंगे अपने दोस्त को, मैं पार्टी में नहीं आ सकता या मैं पार्टी में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे घर पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, मेरे घर पर पाबंदी है, ठीक है? इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, कर्टेल, प्रोहिबिट, रिटेन एंड रिटेल। तो इसका आंसर है प्रोहिबिट। अब देखिए इसका आंसर प्रोहिबिट कैसे है, देखिए प्रोहिबिट का मतलब होता है पाबंदी लगाना, रोक लगाना किसी चीज़ पर। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि लीगली मैरिड कब माना जाता है लड़कियों को, जब वो 18 साल से ऊपर हो जाती हैं, 18 साल की होती हैं, है ना? उससे नीचे लीगली मैरिड उनको नहीं माना जाता, क्योंकि एक लॉ ने प्रोहिबिशन लगाई है चाइल्ड मैरिज पर, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी, ठीक है? तो लीगली मैरिड तभी माना जाएगा एक लड़की जब अडल्ट हो जाएगी, जब 18 साल की हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन लगा देना या फिर प्रोहिबिशन लगा देना। प्रोहिबिशन वर्ड आपने SST में भी बहुत बार सुना होगा, किसी भी एक्ट पर प्रोहिबिशन लगा देना, मतलब रोक लगा देना, ठीक है? अदर ऑप्शन देख लेते हैं, अदर ऑप्शंस के मतलब क्या है, जैसे कि कर्टेल। कर्टेल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना, शॉर्ट कर देना या स्मॉल कर देना। अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल ये है, आपने देखा होगा हम बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी शीट्स भर के आनी पड़ती थी हमें, क्योंकि हम ये सोचते थे कि जितने शीट्स हम भरेंगे उतने अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हम आउट ऑफ टाइम होते थे, टाइम बिल्कुल कम होता है, तो टाइम कम होने की वजह से हमें जो आंसर है वो भी शॉर्ट लिखना पड़ता है। तो जब हम आंसर अब शॉर्ट कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, हमने अपना आंसर क्या किया, हमने अपने आंसर को कर्टेल किया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो आप इस लाइन को कैसे बोलोगे, आई हैड टू कर्टेल माई आंसर एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है? रिटेन का मतलब क्या होता है, रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोना नहीं, मतलब उसे बनाए रखना। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हो, तो आपने वो रिलेशनशिप रिटेन किया हुआ है आज तक, है ना? या फिर आप एक अच्छा सा एग्जांपल इसमें ये दे सकते हो कि आज भी आपने बहुत सारी परेशानियों में अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं छोड़ी, तो आप उसे क्या कहेंगे, डिस्पाइट ऑल माई प्रॉब्लम्स आई हैव मैनेज टू रिटेन माई स्टडी, कि मैं अभी भी स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने अपनी स्टडी को क्या रखा है, रिटेन रखा है, मतलब बनाए रखा है मैंने अपनी स्टडी को। नेक्स्ट है रिटेल। रिटेल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को, गुड्स को बेचना पब्लिक को, जैसे कि ये यूजुअली शॉप्स में होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं 16th, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है कोई चीज़ की ऐसी आशा रखना कि कितना कुछ, जैसे कि देखें डेली बेसिस पे आप ये देखते हैं कि डॉलर्स जो हैं वो कम नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना? तो आप उसमें कुछ ऐसी आशा रखो या कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो कि कितना जा सकता है आज के टाइम पर डॉलर, लेकिन उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन किसी चीज़ को ऐसे एक तरफ से ये कह सकते हो आप,
इमेजिन करना कि कितना कुछ चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस भी लिखा हुआ है, द कॉस्ट टर्नड आउट टू बी हायर देन एंटिसिपेट। मतलब किसी चीज़ की कॉस्ट, सपोज़ कीजिए हम गाड़ी की, चलो गाड़ी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने सोचा था ये कुछ जाएगी 10 लाख की, लेकिन वो आई 12 लाख की। तो हमने उस पर एंटिसिपेट किया था, हमने उस पर कुछ अपने ख्यालात रखे थे, हमने कुछ इमेजिनेशन किया था कि ये इतनी जा सकती है ना। तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, एंटेगनाइज, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट एंड होप। इसका आंसर है एक्सपेक्ट। अब बच्चे ना एक्सपेक्ट एंड एक्सेप्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझ नहीं आती कई बार ये चीज़ें। देखिए एक्सपेक्ट का मतलब होता है आप किसी चीज़ को कितनी आशा रखते हो, है ना। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको कोई धोखा दे देता है तो आप कहते हो मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे या तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, है ना, क्योंकि आपने उससे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कुछ आशाएँ रखी हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। आपको कोई जॉब मिली है, आपने उसे स्वीकार कर लिया, ठीक है, ये होती हैं एक्सेप्टेशंस। होप का मतलब होता है आशा। एंटीगनाइज का मतलब क्या होता है, किसी को बहुत परेशान कर देना, टू मेक समवन एंग्री और टू मेक समवन अनॉयड। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है ह्यूज या फिर मतलब खूब बहुत बड़ा, लाइक लार्ज, ठीक है। इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, एक्सेसिव। इसका आंसर है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, ग्रेट, एक्सट्रीम या बहुत अधिक, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ये कह सकते हो, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से है तो आप कह सकते हो कि वो एक्सेसिव स्पीड से गाड़ी चला रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव। अब देख लेते हैं अदर ऑप्शन, ऑसम, रिमार्केबल, कंसिडरेबल, ये तीनों क्यों नहीं होंगे, इनके आंसर देख लेते हैं। ऑसम का मतलब तो आई थिंक आपको पता ही है, रिमार्केबल का मतलब जान लेते हैं। रिमार्केबल का मतलब होता है जैसे कुछ ऐसा काम कर देना जिसे लोग नोटिस करें। तो आप कभी भी देखते होंगे जो भी IAS की फर्स्ट रैंक लेके आता है वो एक असाधारण सी ही बात होती है, तो वो सभी के नोटिस में आ जाती है क्योंकि उसने कुछ ऐसा रिमार्केबल काम किया हुआ होता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रिमार्केबल। कंसिडरेबल का मतलब होता है अमाउंट में या साइज में बड़ा होना। तो ट्रेमेंडस और ट्रेमेंडस का आंसर ये मत लगा देना कंसिडरेबल, क्योंकि ट्रेमेंडस का मतलब भी होता है बहुत बड़ा, लेकिन कंसिडरेबल का मतलब होता है अमाउंट में बड़ा होना या साइज में बड़ा होना। और एक्सेसिव कुछ अमाउंट और साइज से मतलब नहीं है इसका, एक्सेसिव का मतलब है बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं 18। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत केयरफुल तरीके से काम करना इन डिटेल, ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम देकर एफर्ट से कोई काम करना एकदम सावधानी से। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट, क्लीन, मेथडिकल एंड पेनस्टेकिंग। इसका ऑप्शन सही है डी, पेनस्टेकिंग। पेनस्टेकिंग का मतलब भी क्या होता है, केयरफुल तरीके से काम करना और बिल्कुल डिटेल से करना। जैसे कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम के लिए, आप उसमें बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका स्किप ना हो जाए, कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत केयरफुली पढ़ रहे हो, तो पेनस्टेकिंग उसे कहा जाता है। और मेटिकुलस का भी मतलब बिल्कुल सेम होता है। करेक्ट एंड क्लीन का मतलब तो आपको पता ही है, मैथडिकल का मतलब होता है जब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाए, मैथड्स के साथ काम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है जिसे आप ये कहेंगे कि मोर देन इनफ, मतलब एकदम भरपूर मात्रा में, ठीक है, हिंदी में से ये कहेंगे कि प्रॉपर मात्रा में कोई चीज़ होना, तो मोर देन इनफ, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, सिग्निफिकेंट, वाइब्रेंट। तो इसका आंसर है बी, प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है हिंदी में प्रचुर मात्रा में, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कि आपके पास इनफ चीज़ें होना, लाइक जितनी आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा होना प्लेंटीफुल कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आपके पास होना, लेकिन प्लेंटीफुल क्या होता है, उससे भी ज़्यादा होना, और ऐसा ही मतलब होता है अबंडेंट का। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वाइब्रेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कलरफुल या फिर बहुत उत्साहपूर्ण जिसे कहेंगे, या फुल ऑफ लाइफ जिसे कहेंगे, कि आपके आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान होंगे जो बिल्कुल वाइब्रेंट होंगे, है ना, बिल्कुल कलरफुल होंगे, तो उन्हें कहा जाता है बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ होना। तो अबंडेंट में क्या एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि जो आज रेनफॉल है वो बिल्कुल अबंडेंट मात्रा में हुई है, मतलब अच्छी खासी जो हुई है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल का मतलब भी यही होगा कि प्रचुर मात्रा में जो वर्षा है वो हुई है।
एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे किसी को हम फैमिलियर कराते हैं, है ना, जब हम कहीं पर जाते हैं, अगर हम अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएं या अपनी फैमिली को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये होता है एक्वेंट, मतलब परिचित कराना। अराउज, इंट्रोड्यूस, अपॉइंट, एक्वायर, इसका आंसर है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब भी क्या होता है? इंट्रोडक्शन देना, मतलब उनको परिचित कराना, ठीक है, एक दूसरे से जान पहचान कराना। अराउज का मतलब होता है, अराउज का मतलब जैसे किसी की क्यूरियोसिटी को अराउज करना, जगाना, ठीक है, जैसे कोई किसी के बारे में कुछ जानना चाहता है, आप आगे जाकर टीचर बनोगे तो आप बच्चों की क्यूरियोसिटी को क्या करोगे, जगाओगे, दैट मीन्स क्यूरियोसिटी को अराउज करोगे। अपॉइंट का मतलब होता है जैसे भर्ती वगैरह करना, और एक्वायर का मतलब तो आपको पता ही होगा, एक्वायर का मतलब होता है कुछ खरीदना या कुछ अर्जित करना, लाइक टू ऑब्टेन और टू बाय समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ों का बदलना या कुछ चीज़ों का परिवर्तन होना। जैसे इसमें हम दो तीन एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको, आप अगर अपने कभी गांव जाएंगे जहां कभी आप रहा करते थे, तो वो अब बिल्कुल कितना चेंज हो चुका होगा, है ना, बिल्कुल परिवर्तन उसमें आ चुका है। लोग अब बाहर जाने लगे हैं, लोग गाँव से शहरों में आने लगे हैं, तो इसको कहते हैं चेंज होना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल्टर, रेन्यू, रिव्यू एंड रिपीट। तो इसका आंसर है ऑल्टर। अब ऑल्टर का भी मतलब एक बार देख लेते हैं। ऑल्टर का मीनिंग भी यही होता है, बदलना, चेंज होना। लेकिन एक ऑप्शन, एक इसमें आप एग्जांपल जो फिट कर सकते हो, जैसे कि सपोज कीजिए आपने जीन्स ली है मार्केट से जाकर, लेकिन वो गलती से बाय मिस्टेक लॉन्ग आ गई है, ठीक है, आपकी साइज से और लाइक शेप से वो लॉन्ग है, तो आप जाएंगे दर्जे के पास, तो आप उसे क्या करेंगे, उस टेलर को कहेंगे कि इसे ऑल्टर कर दो। ऑल्टर करना क्या होता है, मतलब उसे चेंज कर दो ताकि वो आपकी शेप में आ जाए, ठीक है। रेन्यू का मतलब होता है कोई चीज़ को दोबारा, लाइक रेनोवेशन कराना या रिन्यू कराना, या किसी चीज़ को दोबारा शुरू करना। रिव्यू का मतलब होता है किसी चीज़ पर रिव्यू देना, समीक्षा करना। एंड रिपीट का मतलब होता है बार बार दोहराना। तो चेंज का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, ऑल्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ। सिनोनिम के बाद हम एंटोनिम स्टार्ट करेंगे। एक बार सिनोनिम्स के कुछ हम 200-300 तक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम एंटोनिम्स पर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।